आज पूरे 3-4 दिन बाद जो है लाइट आई है। पता नहीं क्या हो गया था हमारे ट्रांसफार्मर में, और लाइट गई थी उस दिन जिस दिन मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, और उसके बाद से आज जाके लाइट आई है। तो जो वीडियो है वो अब डाल पा रहा हूँ, यानी आज तारीख कितनी हो गई है, 8 अक्टूबर हो गया है, और उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि यार इतने दिन में वीडियो नहीं डाल पाया। और जो मेरा पावर बैंक था वो बच्चों ने कपड़ों के नीचे छुपा के रख लिया था, और इसीलिए मैंने पावर बैंक लेके रखा था। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने कैमरा लिया था, अपना गोप्रो लिया था, तो स्पेशली मैंने एक पावर बैंक लिया था इसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि यहाँ के डिपार्टमेंट इतने लचीले हैं कि एक बार अगर कोई काम पड़ जाता है तो एक हफ्ते से पहले तो भूल ही जाओ कुछ हो सकता है, और नहीं तो लाइट ठीक करने का काम दो तीन दिन का तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सामने सीसी में हमारा पावर हाउस है, वहाँ पे कर्मचारी रहते हैं, अगर उनका वश चलता तो उसी दिन ठीक कर सकते थे। 2-3 दिन लगातार कंप्लेंट करने के बाद आज जाके लाइट आई है, तो अब ये ब्लॉग में बना पा रहा हूँ। हेलो पहाड़ी जंक्शन फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में, और मेरा नाम सुनील कुमार है, मेरे गांव का नाम कोलरी तल्ली है, बीरोखाल ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। तो हमारे यहां तो यार आजकल खेती बाड़ी का ही काम चल रहा है और घास काटने का। अब आज 8 तारीख है, 10 तारीख से हम लोग खेत में हल जोतना शुरू करेंगे। वैसे जो असूज महीने की अमावस होती है वो दिन सबसे शुभ माना जाता है हल जुताई के लिए, लेकिन उस दिन मैं हल जुताई कर नहीं पाया, और इसलिए जो है अब 10 तारीख का टाइम है जो कि सबसे शुभ माना जाता है, तो 10 तारीख से हम लोग हल जुताई शुरू करेंगे। तो अभी मैं आया हूँ अपनी गौशाला में, इधर हमारे साग सब्जियाँ उगा रखी थी, तो यहाँ से मुझे सब्जी लेके जानी है, और यहाँ से कद्दू और करेले मुझे लेके जाने हैं सब्जी के लिए आज। तो पहले सब्जी ले जाता हूँ, तोड़ लेता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए आज की जो हमारी सब्जी होने वाली है वो कद्दू की होने वाली है, और हमारी गढ़वाली में हम इसको खरबूज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक खरबूज लगा हुआ है, भाभी मम्मी गई है खेतों में, और वहाँ से आने के बाद जो है मैं साग सब्जी का जुगाड़ करके रखता हूँ, पानी भर के रखता हूँ, ताकि उनको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े, और मम्मी दूध निकालना शुरू कर देंगी, भाभी जो है घर जाके चाय चुई बनाना शुरू कर देगी। तो ऐसे इन लोगों के काम बटे हुए हैं और मेरा काम बटा हुआ है, या तो मैं सब्जी का जुगाड़ करूंगा या पापा करेंगे। पापा अगर गांव में जाते हैं तो मेरी ड्यूटी लग जाती है, और आज शाम को बकरी चराने नहीं गया क्योंकि मैं दोपहर को 2:30-3 बजे भेड़ बकरियां चरा के आया हूं। अब मोबाइल फ़ोन गोप्रो वगैरह तो सब स्विच ऑफ पड़े थे, तो यार ब्लॉगिंग करना तो हो ही नहीं पाया, और इत्तेफाक देखो आज लाइट आई और आज ही जो है पावर बैंक मेरा मिला है, तो अब उसको बड़ा संभाल के रखूँगा ताकि फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन आए तो एनी टाइम मेरे हाथ में रहे। तो चलिए पहले नीचे कूद के तोड़ लेते हैं सब्जी। तो ये लगा है हमारा ये कद्दू यानी खरबूज, जैखड़म गडल बोल दवा, और ये थोड़ा पीला पीला हो रहा है, पहले देखता हूँ एक ऐसा कद्दू तोड़ता हूँ जो थोड़ा हरा हो, इससे कोमल हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये मेरी गौशाला में बैठने की चेयर थी वो नीचे फेंक रखी है। मैं अपना ज़्यादातर टाइम जो है अपने गौशाला में अपने पशुओं के साथ बिताना पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने एक स्पेशली चेयर यहाँ पे ला के रखी थी। अभी बच्चों ने गिराई या पता नहीं बंदरों ने आके गिराई है, ये नीचे गिरा रखी है। खैर इसको तो बाद में लाएंगे, अभी नीचे कंडाली भी हो रखी है बड़ी बड़ी। फिलहाल सब्जी का जुगाड़ कर लेते हैं, इंतज़ाम कर लेते हैं। तो
उधर को तो बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं, वहाँ तो नहीं है छोटे। तो इसी को तोड़ लेता हूँ फिलहाल। तो ये है आज हमारा सब्जी का जतन। थोड़ा पीला हो रखा है, लेकिन जो ये पीला वाला हिस्सा है इतना काट के जानवरों को हम लोग दे देते हैं सुबह, आटा नमक मिला के, और जानवर बड़े प्यार से खाते हैं। और इसके बाद अब चूहे इनको कुतरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भी जो है चूहों ने छेद कर लिया है, और इधर से भी शुरू कर दिया था, वो तो मैंने सही टाइम पर इसको तोड़ लिया है, तो कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा। तो इसको अभी रख लेंगे यहाँ पे, अब जब घर जाएंगे तब इसको लेते हुए जाएंगे। और अभी थोड़ा टाइम बिताता हूँ यहीं अपने जय बीरू के साथ। और इस बार जो हल लगाने की प्रक्रिया होने वाली है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस बार मेरे बैल बहुत मज़बूत है, बहुत मतलब ख़तरनाक वाले हैं और बड़े भी हैं। तो मुझे अच्छा लगता है यार ऐसे बैलों से हल चलाना जो काफ़ी तेज़ हो, जिनकी स्पीड अच्छी खासी हो और दिखने में ठीक ठाक हो। तो ये है मेरे हीरा मोती, जिनसे इस बार मैं खेती करने वाला हूँ। और आप लोग देखते आए होंगे मेरे बैल टाइम टाइम पे बदलते रहते हैं। पहले भल्ला और कटप्पा थे, वो सेल आउट कर दिए थे, उसके बाद कुछ और आए, और अब फिलहाल तो ये हैं। और इनको भी मैं कोशिश करूंगा यार गेहूं की खेती करने के बाद इनको भी सेल कर दूंगा। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो लोकेशन है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो हम सर्दियों में कितनी भी केयर कर लें पशुओं की, वो ठंड के मारे उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और ये लगा लो 11 बजे सुबह धूप निकलती है, धूप आती है हमारे घर में, और 12:15 बजे चली जाती है, तो वही हाल गौशाला का भी होता है। तो इसलिए हम कितना भी खाना पीना अच्छा रख ले जानवरों का, उनकी सेहत डाउन हो ही जाती है। तो इनको भी गेहूं जैसे हमारी खेती पूरी होती है इनको बेचने की कोशिश करूंगा। नहीं बिकते तो अगली बार जब खेती होगी फागुन में तब काम आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप मेरी लोकेशन देख ही सकते हो, ये सामने मेरे घर हैं और ऊपर को पूरा जंगल है, तो हमें ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती। रुख रॉ, ये देखो इस बार तो बहुत मजबूत बैल है मेरे, मज़ा आने वाला है। और मे भी 10 तारीख को जो वीडियो बनेगी वो इन्हीं के साथ बनेगी खेत में, देखते हैं कैसा रहता है इनका परफॉर्मेंस। तो चलिए अब इसको घर लेके जाते हैं, और घर में पानी वगैरह भी भरना है, और आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। आजा आजा यम्मा, फिरो लो माँ यम्मा, आजा यम्मा आजा, आ आ आ। तो दोस्तों 2 दिन पहले मैं गया था भेड़ बकरियाँ चराने, और ये जो बकरी थी हमारी बड़ी वाली ये चर नहीं रही थी, तो मैं बकरियाँ जल्दी घर को ले आया, और जो बाकी बकरियाँ थी वो आगे चली गई थी, और इसने यहाँ पे रास्ते में बच्चा दे दिया। अब मुझे पता नहीं था इसका क्या करना है कैसे करना है, तो मैंने घर पे फ़ोन किया, मम्मी को बुलाया, और फिर आगे मम्मी ने इसको संभाला। क्यूट, ले 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 ले। तो ये जो हमारी बकरी है इसके हर बार 2 बच्चे होते हैं, लेकिन इस बार अभी तो एक ही हुआ है, क्या पता एक बच्चा बाद में हो, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। कंदोड़ा
आई हूं ना हां आज देख लो तुम चल 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 तो अभी मैं और मम्मी बकरी को लेके आ गए हैं घर पे और आप लोग गेस कीजिए क्या हो रखा होगा बकरा या बकरी कमेंट जरूर करें आजा 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 चल जा चल 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 आजा 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 और दोस्तों दिन में हम इनको पुरानी गौशाला में बंद कर देते हैं और रात को घर लेके चले जाते हैं क्योंकि जो दिन भर घर की गौशाला है वो अच्छे से सूख जाती है चल 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 आजा आ चल 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 आ चल घर को चल 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 तो ये जगह है हमारी भेड़ बकरियां बांधने की इसलिए हम दोपहर को इनको गौशाला में रखते हैं थोड़ा यहाँ पे सूख जाए अच्छे से तो भेड़ बकरियों के लिए सूखी जगह ज्यादा बेटर होती है हाडू पकड़ पकड़ अरे ये देखो ये कहाँ छुप के बैठा है ये बदमाश अच्छा 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 चल दूध पे आता भीतर गाला रुक जा अब इसको दूध पिला लेंगे बकरी को बांध देंगे भेड़ बकरियों के साथ और इसको रखते हैं हम अलग से क्योंकि इसका खतरा रहता है छोट बड़े भेड़ बकरियां कहीं इसको मार न दे हाँ दोस्तों अगर आपको ये बच्चा क्यूट लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें पे पे दूध पे दूध पे दूध पे दे दे पे दे ए पे 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 दे पे दे ले 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 ये जो बकरी का बच्चा है ये सही से दूध नहीं पी पा रहा तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बोतल से पिलाया जाए और दूध निकालने की कोशिश की यार लेकिन नहीं आया बिल्कुल भी दूध इतना नहीं आया कि बकरी के बच्चे को पिला सके। तो दोस्तों मैं तो गया ही था सब्जी लेने लेकिन पापा ने भी तोड़ दिए और ये इतने कद्दू जो है कोना भर रखा है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े और अभी ये भी हो रखे हैं तो आज इतने कद्दू हो गए हैं हमारे पास तो मुझे नहीं लगता इतने तो बनेंगे एक आध बनेगा इनमें से कोई सा तो ये है हमारे अंडे मुर्गियों के और हो सकता है एक मुर्गी जो है बच्चे निकाले तो उसके लिए ये बचा के रखे हैं ये हमारे खाने के हैं और हो सकता है आज इन्हीं की सब्जी बने कद्दू जो है सुबह बने नाश्ते में। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो यार सोचा आप लोगों को बता दूं कि लाइट ना होने की वजह से जो है वीडियोज नहीं आ पा रही थी क्योंकि मुझे कई लोग के मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि यार आप कहाँ वो वीडियो नहीं आ रही है तो आप लोगों को अपडेट करना ज़रूरी रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें आपका कोई भी सुझाव होता है तो यार मुझे कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपके सुझाव जो है मुझे इम्प्रूव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और अगर पहली बार पहाड़ी जंक्शन चैनल पर आए थे तो आपको पता ही है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जल्द मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।